हेलो 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 वॉइस आ रही है हेलो एवरीवन सबको वॉइस आ रही है

से देन वी कैन स्टार्ट विद द बैंग तब तक के लिए आप लोग फटाफट से रिवाइज करेंगे वेरी गुड आफ्टरनून गाइज वेरी गुड आफ्टरनून कैसे हो सब लोग एकदम मस्त बारिश वारिश है कि नहीं आप लोग के यहाँ पे सब लोग बारिश में जा रहे हो भीग रहे हो या नहीं भीग रहे हो कैसन बा ठीक बा यहाँ तो बारिश है बेटा काफी है कृष्णा रिकॉर्डिंग लगभग फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं आ रहा हो तो आपको करना रहेगा बेटा हम रिएक्शंस पे ज्यादा ध्यान दे रहे फिर से लूंगा लेकिन अभी नहीं मैराथन जब पढ़ाऊंगा तब फिजिकल प्रॉपर्टीज भी लूंगा अभी आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन शुरू करने वाले हैं ठीक है थीके? तो कल मैंने स्कीप स्टोलन और नाइट्रोप्रोसाइड और ये सब चीजें आपको पढ़ा दी थी बराबर है तो फिर शुरू कर दिया जाए लेक्चर लेट स्टार्ट Aldehyde, Ketones, and Carboxylic Acid. Now we are starting with Chemical Properties and Reactions of Aldehyde. एंड कीटोन सब लोग अच्छे से ध्यान से देखेंगे पढ़ेंगे समझेंगे सीखेंगे सबसे पहले तो मैं आपको एक रूल सिखाने वाला हूँ ये जो रिएक्शन हम कर रहे हैं ना दिस इज नथिंग बट एडिशन लोग एड का जो एडिशन होता है ना हम जो रिएक्शन करेंगे वो होगा एडिशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन क्या होता है मालूम है हम दो चीजों को ऐड कर देते हैं जस्ट ऐड टू थिंग्स एंड रिएक्शन इज कैरिड ऑन अब हबीशा हमेशा रिएजेंट के दो हिस्से होते हैं एक होता है न्यूक्लियोफाइल एक होता है इलेक्ट्रोफाइल एक होता है न्यूक्लियोफाइल एक होता है इलेक्ट्रोफाइल माइनस वाले को न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे प्लस वाले को इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे माइनस वाले को न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे प्लस वाले को इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा करके रिएजेंट में प्लस एच होता है मतलब पॉजिटिव जो पार्ट होता है ना वो एच होता है जैसे एचसीएल ले लिया हाइड्रोजन साइनाइड ले लिया, H2SO4 लिया तो भी हम H+, OSO3, H ऐसा करते है। जो होता है, उसका जो इलेक्ट्रोफाइल पार्ट जो होता है ना वो यूजुअली हाइड्रोजन होता है और न्यूक्लियोफाइल हर बार बदलता रहता है जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लू कुछ एग्जांपल अगर आपको दू तो एच सी एल एच सी एल में भी एच प्लस सी एल माइनस अगर मैं लू HCN हाइड्रोजन साइनाइड तो H plus CN minus अगर मैं लू H2SO4 तो H2SO4 को मैं क्या लिखता हूं H plus OSO3H minus उसके बाद अगर मैं ले लू और CH3OH तो अल्कोहल तो अल्कोहल को हम स्प्लिट करेंगे H plus OCH3 minus तो ये सारे पॉजिटिव वाले जो पार्ट है ना इन सबको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स और जितने भी नेगेटिव वाले पार्ट है ना इनको हम बोलते हैं इज इलेक्ट्रोफाइल हमारे रिएक्शन में आपको ये सारी चीजें बताने की जरूरत क्यों थी दिखाता हूं अगर मैं एक रिएक्शन कर रहा हूँ कंसिडर चाहे वो एल होने दे चाहे वो किट होने दे पहले मैं एल को ले लेता हूँ और अगर मैं उसके अंदर एक रिएजेंट ले रहा हूँ एन यू डैश एच एच प्लस एन यू का मतलब न्यूक्लियोफाइल एच का मतलब इलेक्ट्रोफाइल तो हमेशा ये बात ध्यान रखने का कि मेरा जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो कार्बन को अटैक करेगा और जो हाइड्रोजन होगा वो हमेशा इसको अटैक करेगा मतलब ए फिक्स हो जाता है कि अपना जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पे चला जाएगा और अपना जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो हमेशा यूजुअली ऑक्सीजन के पास चला जाएगा तो अपने को मिल जाता है कुछ ऐसा ऊपर है ऐसा होगा कभी, हो कभी वो ऐसा होगा हो कुछ भी होने दो लेकिन ये एस, इसी फॉर्मेट में अपने को एडिशन रिएक्शन करना होता है इसी तरह से अपने को रिएक्शन करना होता है इसी तरह से अपने रिएक्शन आगे बढ़ते हैं समझ में आया क्लियर बच्चा को विपता क्लियर है तो रिएक्शन आगे चल दू जल्दी जल्दी बताओ चलिए गाइस क्लियर इतना चल तो बेटा इसी से हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला रिएक्शन दैट इज एक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड जिसमें हम लेते हैं एच सी एन लेट स्टार्ट विथ द फर्स्ट रिएक्शन सी एच थ्री सी डबल बॉन्डो एच दिस इज एसिटॉल डिहाइड इसमें हम डाल देंगे हाइड्रोजन साइनाइड एच सी एन अब जैसे कि मैंने बोला H+ प्लस होता है CN- माइनस होता है न्यूक्लियोफाइल हमेशा कार्बन के पास ऑक्सीजन हम, हमें हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के पास प्रोडक्ट क्या बन गया अपना सी एच थ्री सी ऊपर आ गया ओ OH, एच नीचे आ गया सी एन इस कंपाउंड को बोलते हैं मेरा बच्चा लोग साइनोहाइड्रिन नाम याद रखने का क्या बोला साइनोहाइड्रिन नाम क्या बोला साइनोहाइड्रिन सिंस ये एसेटॉल से निकल के आता है तो हम इस कंपाउंड को बोलते हैं एसेटाइल डिहाइड साइनोहाइड्रिन द नेम ऑफ द कंपाउंड इज एसेटाइल डिहाइड साइनोहाइड्रिन नाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू कंप्लीट दिस रिएक्शन फॉर मी इसका रिएक्शन कंप्लीट करो और नाम क्या होगा ये बताओ फटाफट यू हैव ओनली टू मिनट्स टू सॉल्व जल्दी जल्दी रिएक्शन फास्ट फास्ट करेंगे आज समझा जल्दी जल्दी करने का फटाफट करने का क्या आंसर आ रहा है बताने का चलो फटाफट एवरीवन वन जल्दी से थैंक यू मिस्टर फिरंगी गुड खुशी जोसेफ एवरीवन डू इट फास्ट गुड वेरी गुड गाइस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट तो आपका आंसर आ जाएगा सी एच थ्री सी यहाँ पे सी एन चला गया बेटा यहाँ पे एच आ गया तो क्या बन गया अपना प्रोडक्ट ओ OH एच ऊपर सी एन नीचे बाजू में सी एच थ्री दिस इज कॉल्ड एज एसीटोन साइनो गाइस कुछ डाउट चलिए चलता हूं नेक्स्ट रिएक्शन पे पहला कंप्लीट हो गया अपना सेकेंड एक्शन ऑफ सोडियम बाई सल्फेट एन ए एच एस थ्री सल्फाइट नॉट सल्फेट बेसिकली सल्फाइट आएगा सल्फेट नहीं आएगा एसओ थ्री ग्रुप है ना चल, रिएक्शन करेंगे फिर से पहला सी एच थ्री सी डबल बॉन्डो एच प्लस एन ए एच थ्री अब ये एन ए एच थ्री को मैं स्प्लिट करके लिखता हूँ एच एस ओ थ्री एन ए क्यों क्योंकि मुझे दो इससे करना है एक इलेक्ट्रोफाइल का और एक न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव वाला नीचे इसके पास एच इसके पास प्रोडक्ट हो गया सी एच थ्री सी ऊपर हो गया ओ OH एच नीचे हो गया SO3Na थ्री एन ए सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्ट ऑफ एसिडॉल दिस हाइड सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्ट ऑफ एसिटॉल सेम चीज़ अगर मैं कीटोन के साथ करता हूँ मेरा बच्चा लोग एसिटोन लेता हूँ समझो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री एसिटोन इसके साथ में अगर मैं डाल दूँ एन एच एस ओ थ्री तो भी ये सेम चीज करेगा एच को अलग करेगा एस ओ थ्री एन ए को अलग करेगा एच जाएगा हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के पास ये किधर जाएगा कार्बन के पास प्रोडक्ट क्या बनेगा सी एच थ्री सी ऊपर आ गया ओ एच OH बाजू में आ गया एच नीचे आ गया एस ओ थ्री एन ए बराबर बा, चलो बाजू में एच नहीं यहाँ पर बाजू में सी एच थ्री आएगा क्योंकि एसीटोन लिया ना हमने ये बाजू में आ गया सी एच थ्री एम आई क्लियर विद दिस रिएक्शन गाइस सबको ये दो रिएक्शन समझ में आ गए है क्लियर First,

गुड चल फिर चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज एक्शन ऑफ अल्कोहल अब ये रिएक्शन चलो दो स्टेप में होगा ध्यान से देखते रहिए एकदम अच्छे से देखते रहिए एकदम अच्छे से सुनते रहिए एकदम अच्छे से समझते रहिए सबसे पहला मैं एसिडल लेता हूँ सी एच थ्री सी डबल बॉन्डो एच सेटल डिहाइट इसके अंदर हम डाल देंगे हमारा अल्कोहल टेक मिथाइल अल्कोहल ठीक अब क्या करना है मिथाइल अल्कोहल को स्प्लिट करके लिखना है एच डैश ओ सी एच थ्री फिर से वही चीज क्यों स्प्लिट किया क्योंकि मुझे दो चाहिए पार्ट एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए राइट तो ये वाला जो एच है ये इस ऑक्सीजन के पास भेज देंगे ये वाले जो पार्ट को इसको इधर भी भेज देंगे तो अपना स्टेप नंबर वन बन जाएगा बच्चा लोग सी एच थ्री सी ओ एच एच नीचे आ गया ओ सी एच थ्री इस कंपाउंड को बोलते हैं हेमी एसेटल हेमी का मतलब आधा हेमी एसेटल हेमी का मतलब क्या बोला बेटा मैंने आधा तो आधे को अब पूरा करना पड़ेगा तो पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे फिर से इसके अंदर दूसरा मिथाइल अल्कोहल डालेंगे सी एच थ्री ओ एच उसको भी स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में एच एंड ओ सी एच थ्री अब क्या करना ध्यान से देखिए ध्यान से समझिए यहां से ओ OH एच लिया यहां से एच लिया एच और ओ OH एच जब साथ में मिलेगा तो एच टू ओ बना देगा तो ये एच टू ओ बन गया एच टू बाहर चला गया अब क्या बच गया बच्चा लोग ओ सी एच थ्री बच गया ये जगह खाली है तो ये वाला ओ सी एच थ्री पूरा का पूरा यहाँ पे लगा दे प्रोडक्ट हो गया सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री ओ सी एच थ्री एच दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज जब कीटोन लेते हो तो कीटोन में हम कीटल बनता है एल्डिहाइड लेते हो तो एसेटल बनता है डिफरेंस है दूसरी चीज इसका अगर आयु पी एस नियम लिखोगे तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज वन कॉमावन डाइमिथोक्सी इथेन वन कॉमा वन डाइमिथॉक्सी इथेन तो ये इसका आई ओ विच इज कंपाउंड विच इज कंटेनिंग टू टाइम्स एल्कोक्सी ग्रुप अब ये रिएक्शन फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दू सारे लोग समझ लो सारे लोग देख लो सारे लोग सीख लो क्या किया बेटा मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक अल्डियाड लिया कौन सा अल्डीआईड लिया एसिड अल्डियाइड लिया उसमें मिथाइल अल्कोहल डाल दिया मेरा रूल वही है मैंने क्या बोला न्यूक्लियोफाइल कार्बन को देंगे इलेक्ट्रोफाइल हमेशा ऑक्सीजन के पास देंगे तो H किसके पास भेज दिया S यहाँ से उठा के इसके पास भेज दिया और ये वाला जो कंपाउंड बचा था ओ सी एच थ्री वो कार्बन के पास भेज दिया स्टेप नंबर वन में ये ओ के पास एच आ गया तो ओ OH एच बन गया नीचे ओ सी एच थ्री लग गया ये बन गया one, जिसको हमने क्या नाम दिया हेमी एसिटल मतलब हाफ आधा आधे को पूरा करने के लिए फिर से दूसरा मॉलिक्यूल डाला हमने मिथाइल अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल मिथाइल अल्कोहल का डाला तो यहाँ से एच निकाला यहाँ से ओ OH एच निकाला एच टू बहार किया बचा हुआ जो कंपाउंड था उसको ऊपर लगाया दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एसिटल अब ये रिएक्शन मैंने कर लिया एक रिएक्शन आप लोग के लिए बनता है सी एच थ्री सी डबल बॉन्डो सी एच को भी अल्कोहल से ट्रीट करिए मिथाइल अल्कोहल से और देखिए क्या प्रोडक्ट आता है आई एम वेटिंग फॉर योर ये सब लोग नोटबुक साथ में रखो हर किसी को सॉल्व करना है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खाली देख देख के नहीं सीख पाओगे समझने के लिए सॉल्व करना बहुत जरूरी है तो आई वॉन्ट एवरी वन टू सॉल्व इट मेरे साथ साथ करोगे तो और अच्छे से सीखोगे तो प्लीज काइंडली डू इट फास्ट Hello everyone. मैं या आप लोग करोगे आई ओके गुड चलिए कुछ बच्चों ने आंसर निकाला कुछ बच्चों के लिए रुके तो उनके लिए कर देंगे सर फटाफट फ़ड़ ध्यान देने का बेटा अल्कोहल है इसको स्प्लिट कर ले ओ एच और सी एच थ्री में एच इधर भेज दे ई वाले पार्ट को कार्बन के पास भेज दे स्टेप नंबर वन क्या मिल गया अपने को सी एच थ्री सी ओ एच सी एच थ्री नीचे आ गया एक और ओ सी एच थ्री स्टेप नंबर वन फिर दूसरा अल्कोहल डाल देंगे मिथाइल अल्कोहल अब क्या हो रहा है यहाँ OH से ओ एच और ये बाजू से एच एच और ओ एच मिलेगा तो क्या बन जाएगा एच टू बन जाएगा तो एच टू बार इधर क्या बच गया ओ सी एच थ्री ओ सी एच थ्री ऊपर प्रोडक्ट क्या बना सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री ओ सी एच थ्री बाजू में सी एच थ्री वन कॉमा सॉरी टू कॉमा टू मिथॉक्सी प्रोपेन जिसको कीटल बोलते हैं जैसे कि मैंने बोला अल्डिहाइड से बनेगा तो एसेटल बोलते कीटोन से बनेगा तो कीटल अब इसमें एक और चीज हम पढ़ेंगे बेटा जिसका नाम है साइक्लिक केटल कंपाउंड नेम इज साइक्लिक केटल कुछ नया है अनोखा सा है कीटोन में ही है कीटल है मतलब कीटोन अब इसको लिख भी मैं अलग तरीके से रहा हूँ दिस इज माई एसेटोन सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ राइट ना अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हो बता रहा हूँ इसलिए ऐसे ही लिखने का वैसे ही समझ में भी आएगा अच्छे से इसके साथ में हम लेंगे मिथिलीन गईकोल मिथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है सी एच टू सी एच टू ओ एच दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज इथिलीन ग्लाइकोल अब क्या करने का वाटर बाहर निकालने का कैसे निकालने का ये वाले पार्ट को बाहर निकालने का देख वाटर बन गया ना दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अगर मैं साथ में ले लूंगा तो आई विल गेट वाटर चलो वाटर तो मिल गया बढ़िया काम हो गया ये अब सारी चीज को जोड़ देंगे जितना भी कुछ है ना उन सबको एक साथ जोड़ देंगे तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा सी एच थ्री सी सी एच थ्री ओ सी एच टू सी एच टू दिस कंपाउंड इज कॉल्ड है इधर क्या बचा सी इधर क्या बचा ओ एक इधर से जोड़ा एक इधर से जोड़ा ये देख ऐसा और ये तो एज इट इज लिखना ही था तो ये कंपाउंड का नाम बन गया मेरा बच्चा लोग साइक्लिक कीटल समझा बच्चा लोग एवरीवन अंडरस्टूड कैसन बा, ठीक बा कैसे हो सब लोग धमाल कमाल बेमिसाल पढ़ाई कैसन चलत है खूब भालो जरा फटाफट थम जब मारो जब समझ में आ गया रहेगा तो थोड़ा बात बात किए नहीं आज हमारे बच्चों से अंडरस्टूड एवरीवन रिएजेंट का नाम है मेरा बच्चा लोग इथिलीन ग्लाइकॉल वेरी गुड राजवर्धन वेरी गुड जो ऐड किया उसका नाम इथिलीन ग्लाइकॉल लिख देता हूं इसको बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल ठीक है ना तेजू मेरा नाम बेटा मेरा नाम नहीं पता तुझे इतना टाइम से पढ़ा रहा हूँ मुस्तफा सर किसी महान पुरुष ने बोला था नाम में क्या रखा है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे चलते गाइस और ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो दैट इज एक्शन ऑफ ग्रिगनाड रिएजेंट ग्रिगनाड रिएजेंट इज आर एम जी एक्स एक रिएक्शन मैं करूंगा एक आप करेंगे डी के वादा रहा एक मैं कर लूंगा एक आप कर लेंगे सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच डाल दिया इसमें डाल देंगे हम सी एच थ्री एम जी बी आर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड स्टेप नंबर वन देखते रहिएगा स्टेप अच्छे से समझते रहिएगा उसके बाद आपको करना है ठीक है सी एच थ्री कार्बन के पास चला जाएगा एम जी बी आर ऑक्सीजन के पास चला जाएगा सी एच थ्री कार्बन को दे दिया एम जी बी आर ऑक्सीजन को दे दिया प्रोडक्ट क्या बन गया सी एच थ्री सी ओ के पास आ गया एम जी बी आर तो बन गया ओ एम जी बी आर कार्बन के पास आ गया सी एच थ्री तो कार्बन के पास दे दिया सी एच थ्री स्टेप नंबर वन अपना बन गया कॉम्प्लेक्स अब इसके बाद इसमें डाल देंगे हम वाटर पानी एच टू एच टू डालने से क्या हो जाएगा बच्चों लोग यहाँ से ओ एम जी बी आर और यहाँ से एच सात में निकालेंगे तो ये बन जाएगा एम जी बी आर ओ एच अब ये पूरी जगह खाली हो गई तुम्हारी ये पार्ट निकल गया ना इधर क्या बचा ओएच ओएच रिप्लेस मार तो अपना प्रोडक्ट बन गया CH3 CH OH CH3 दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज प्रोपेन टू ऑल ये हमने चैप्टर अल्कोहल में भी किया है तो एक रिएक्शन मैंने कर दिया एसिटल डिहाइड वाला एक रिएक्शन आपके भरोसे एसीटोन वाला रिएक्ट एसीटोन विद मैग्नीशियम ब्रोमाइड गेट मी द आंसर फास्ट यू हैव ओनली टू मिनट्स टू सॉल्व फट आ फट आंसर निकालने का जल्दी जल्दी से ठीक है शार्दुल गोले हाय बेटा जल्दी से सम का आंसर निकाल दे। देस बल्क मोटिवेशन वेरी गुड ओके okay, यश जोशी बेटा बहुत बढ़िया काम कर रहे हो जिंदगी में बड़ा नाम करोगे ठीक है यश जोशी पे तो हमारा दिल आ गया है क्या आंसर दिया मोस्ट वेलकम मिस्टर यश जोशी हैव अ ग्रेट डे वेरी गुड प्रफुल माने हाँ चलो तो कुछ बच्चों ने शुरू कर दिया देखते आंसर आ रहा है क्या आपको सी एच थ्री कहा लेंगे कार्बन के पास एमजीबीआर का लेंगे ऑक्सीजन के पास स्टेप नंबर वन क्या मिला सी एच थ्री सी ओ के पास आ गया एम जी बी आर एक सी एच थ्री बाजू में आया एक सी एच थ्री नीचे आया स्टेप नंबर वन अब क्या करेंगे इसमें वाटर डालेंगे एच टू ओ क्या करने का एम जी बी आर ओ के साथ एक एच लेने का प्रोडक्ट हो जाएगा एम जी बी आर ओ एच ओ एच बचाना रिप्लेस कर प्रोडक्ट क्या मिला सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री ऊपर आ गया ओ एच टू मिथाइल टू ऑल ऑल्सो कॉल्ड एस टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल कितने बच्चों को ये आंसर आया था हाथ उठाइए हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट दिस आंसर रेज योर एंड फास्ट नो प्रॉब्लम साची डोंट वरी नो प्रॉब्लम बल्त मोटिवेशन यस राजवर्धन आई गॉट इट गुड आफ्टरनून अभिषेक जयसवाल चलिए बहुत बढ़िया मस्त अब चलेंगे बेटा एडिशन ऑफ अमोनिया एन इट्स डेरिवेटिव अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव का मतलब क्या कि हम एन एच टू वाले एनएच थ्री जैसे ग्रुप को इसमें एड करेंगे अब मैं आपको एक ट्रिक दूंगा मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा वैसे ही आपको एडिशन करना है मतलब इसका एडिशन बिल्कुल धमाल है कुछ नई तरीके से एडिशन करना है कैसे करना है पहले वो सिखाता हूं देखो कौन से कौन से ग्रुप हम लोग लेने वाले हैं हम लोग सबसे पहले लेने वाले आर एन एच टू जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी अमाइन फिर हम लेने वाले हैं एनएच टू ओ एच जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन फिर हम लोग लेने वाले है एनएच टू डैश टू जिसको हम बोलते हैं हाइड्राजीन फिर हम लोग लेने वाले हैं C6H5NH- NH2 इसको हम बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन ये चार ग्रुप के साथ मैं आपको रिएक्शन सिखाऊंगा इन सब में एक चीज सिमिलर है NH2 देखो सब में NH2 ग्रुप है मतलब NH2 आपके हर कंपाउंड में है तो इसके लिए हम लोग ने इसको नाम दिया है अमोनिया डेरिवेटिव अमोनिया से बने हुए कंपाउंड अमोनिया क्या होता है गाइस एनएच3 होता है तो एनएच3 से जब एक एच निकाल के आप कुछ डालते हो देखो अमोनिया एनएच3 ये एच एनएच3 में से एक एच इसकी जगह आर डाल दिया ये बन गया ओएच OH डाल दिया ये बन गया दूसरा फिर से एनएच2 डाल दिया ये बन गया C6, H5, डाल दिया ये बन गया मतलब इनडायरेक्टली हर चीज को मैंने अमोनिया के अंदर से ही बनाया इसलिए मैं इसको नाम देता हूँ अमोनिया डेरिवेटिव क्या नाम देता हूँ मेरा बच्चा अमोनिया डेरिवेटिव ये इंट्रोडक्शन सबको क्लियर हो गया हाथ ऊपर कर दो सब लोग जिसको मेरा इंट्रोडक्शन समझ आ गया फटाफट हाथ ऊपर करेंगे फास्ट दो जू प्लीज रेज योर हैंड गुड चलिए बढ़िया रिएक्शन कैसे करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखने का सबसे पहले मैं सारे LDID लेने वाला बॉन्डो एच सोच रहे सर, आपने ओ तो आगे लिखा हो एच ऊपर लिखा हो या एच आगे लिखा हो ओ ऊपर लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता कार्बन के चार है कैसे भी लिख दिस इज एसिडीआई अब इसमें अगर मैं आर एन एच टू डाल रहा हूं अब आर एन एच टू लिखने कैसे यहां पे जितने भी रिएक्शन इस फॉर्मेट में है किस फॉर्मेट में एन एच टू जिसमें है ऑक्सीजन यहां पे है तो ये हमेशा वॉटर इसी फॉर्मेट में बाहर निकालेगा जैसे कि NH2 के अंदर से आपको दो हाइड्रोजन लेना है और अल्डिहाइड में से आपको एक ऑक्सीजन लेना है ये अल्डिहाइड होने दो तो है कीटोन होने दो कोई फर्क नहीं पड़ता अल्डिहाइड रहेगा तो भी वही करेगा कीटोन रहेगा तो भी वही करेगा क्योंकि कीटोन में भी ऑक्सीजन है अल्डिहाइड में भी ऑक्सीजन है तो ये H2 बाहर निकल गया तो ये H2 चला गया बाहर बचा क्या CH3 CH को मैं लिखता हूं डायरेक्ट CH डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड आर दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एज्स बेस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया कल के लास्ट के टॉपिक में इसके स्टार्टिंग में कल का लास्ट टॉपिक आई एव ऑलरेडी मेक यू अंडरस्टैंड दिस हेम आई करेक्ट तीन रिएजेंट पढ़ाए थे बेस रिएजेंट फेलिंग पहला रिएक्शन दूसरा एक कीटोन भी ले लेता हूँ तो आप लोग बोलेंगे सर कीटोन क्या करेंगे फिर चल कीटोन ले सी एच थ्री सी डबल बॉन्डो सी एच थ्री इसमें डाल देता हूं एन एच टू ओ एच जिसको बोलते हैं हाइड्रोऑक्सिल अमाइन फिर से वही रूल जो मैंने समझाया यहां से ऑक्सीजन निकलेगा यहां से हाइड्रोजन निकलेगा H और H2 और एक ऑक्सीजन मिलेंगे तो बन जाएगा एच टू ओ एच टू ओ बाहर निकालने का प्रोडक्ट क्या बचा सी एच थ्री सी एच थ्री डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड ओ एच देख सी एच थ्री सी डब ऊपर सी एच थ्री एन ओ एच इसको बोलते हैं ऑक्साइन सिंस ये एसिटोन के साथ लगाए ना इसको बोलेंगे एसिट अल्डिहाइड के साथ होगा चलो एक अल्डिहाइड के साथ भी यही रिएक्शन कर दू जगह नीचे बची हुई है तो सी एच थ्री सी डबल बॉन्डो एच ये एसिडोन था मेरा बच्चा लोग अब जो बता रहा हूँ बहुत अच्छे से शिद्दत से देखो तो ये चैप्टर में रिएक्शन ही है जो अपने को सीख कर लेना है वही चीज यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन एच बाहर प्रोडक्ट हो गया सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड ओ एच इसको हम बोलते हैं एसिटल डॉक्साइम मतलब ये एसेटल डिहाइड से आया इसलिए एसिटल डॉक्साइम एसिटोन से आया इसके लिए एसिटॉक्साइम प्लस एच टू इतना समझ में आया तो बाकी के रिएक्शन पीछे करवाओ डू यू अंडरस्टैंड दिस मच गाइस क्या हमारे सभी बच्चों को इतना समझ में आया है फटाफट बताइए फास्ट एवरी वन यस और नो पक्का थैंक यू कल्याणी थैंक यू वेरी मच हाइड्राजीन लेने वाला हो बेटा खुशी नेक्स्ट पेज पे पहले ये दो बता दो ये समझ में आएगा सबको तो फिर आगे भी चल दो थैंक यू मासूम वाटकर चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट ले लेता हूं मैं एलडिया इसको मैं ट्रीट कर लेता हूं अपने दूसरे रिएजेंट के साथ इसका नाम है हाइड्राजीन NH2 टू सिंगल बॉन्ड एन एच टू दिस इज हाइड्राजीन क्या करेंगे वही करेंगे जो सर ने सिखाया यहाँ से एच टू यहाँ से ओ एच टू ओ मिल गया प्रोडक्ट क्या बन गया सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड एन एच टू एच टू ओ बाहर निकल गया इस कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्राजोन एल्डिहाइड से आया ना तो इसको बोलते हैं एसेटाल डिहाइड हाइड्राजोन कीटोन से आएगा एसेटोन से तो एसेटोन हाइड्राजोन चलो इसी बात पे आप लोग भी प्रैक्टिस कर लो गो फॉर दिस रिएक्शन हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनाओ जिनका बना के होगा हाथ ऊपर करने का सब लोगों के पास आई होप मैंने बोला है कि टेक्स्ट बुक होगा नोटबुक भी लेकर के आप बैठे ही होंगे बराबर गुड यस आयुष उपाध्याय क्या हो गया बेटा तेरे को एनी प्रॉब्लम व्हेन आई एम यर नो फियर चलो फिर इसी बात पे अगर आप लोग ने ये कर लिया तो एक रिएक्शन आप लोगों के लिए भी बनता है लेट मी चलो ये अगर मैं ले लूँ एसेटल और अगर मैं ये ले लूँ एसेटोन समझो फॉर एग्जांपल और मैंने आपको दे दिया NH2 NH C6H5 फिनाइल हाइड्राजीन तो क्या आप ये रिएक्शन खुद से कर पाओगे चलो दोनों भी करने का क्या फिनाइल हाइड्राजीन एसीटोन के साथ भी करने का एसेटाल डाइहाइड के साथ भी करने का लेट मी नो इफ यू कैन सॉल्व इट फास्ट चल कर फटाफट देख आंसर आता है क्या ये कंप्लीट कर फिर हेलो और अलडोल भी करने का जल्दी जल्दी कर आएगा बच्चा लोग तो हाथ ऊपर करने का बताने का आला के नाही आला तय का नहीं ये ते ते सांगा लवकर चल देखते हैं जिन बच्चों ने कर लिया गुड बता देता हूं दोनों भी कर दूंगा एसेटल वाला भी और एसिटोन वाला भी चल देखते सी एच थ्री सी डबल बॉन्डो एच दिस इज एसिटल इसमें डाल देंगे हम एनएच टू डैश एनएच डैश सी सिक्स एच फाइव राइट क्या करेंगे बेटा यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे एच टू अपना निकल जाएगा बाहर प्रोडक्ट क्या हो गया सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड एन डैश एन एच डैश सी सिक्स एच वाई बहुत सी बार टेक्स बुक में रिंग बना हुआ रहता है कोई तकलीफ नहीं चलेगा दिस इज कॉल्ड एस एसिटल डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन जैसे वहां पे हाइड्राजीन सिर्फ हाइड्राजोन बनाता था यहाँ पे फिनाइल हाइड्राजीन है ये फिनाइल हाइड्राजीन है ये फिनाइल हाइड्राजीन जब रिएक्ट करेगा तो ये फिनाइल हाइड्राजोन बनाएगा सिमिलरली अगर एसिडोन आपने लिया है सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और इसमें अगर मैंने डाल दिया एन एच टू सिंगल बॉन्ड एन एच सिंगल बॉन्ड सी सिक्स एच फाइव तो भी प्रोसेस वही होने वाला है जो लास्ट टाइम किया था एच टू ओ बार प्रोडक्ट क्या आएगा बोल सी एच थ्री सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड एन एच सिंगल बॉन्ड सी सिक्स एच फाइव दिस इज कॉल्ड एज एसीटोन सी टून हाइड्राजोन क्या आप सभी को ये आंसर आए क्या गाइस हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस मच यस बल्क मोटिवेशन वो मैंने आपको सिंपल फॉर्मेट में नहीं दिया था तो आपको वैसे बनाना था बेटा कितने बच्चों का ऐसा आगे हाथ उठा लो लवकर लवकर हाथ वर्ती करु दाखवा माला का ही तो माला आ का गुड तो बेटा एग्जाम में भी अगर टीचर ने आपको नॉर्मली लिख कर दिया तो आपको ये करने को आना चाहिए भी कई बहुत सी बार तो देंगे भी नहीं सीधा बोल देंगे व्हाट एपन एल डी एड इज ट्रीटेड विथ फिनाइलाइट्राजीन तो वैसा अगर आया तो भी लिखने को तो आना चाहिए ना बेटा अपने को समझ लगा कन्फ्यूज आए की गरज ना एवड सोप है आल क्लियर जाला आल क्लियर क्रिस्टल क्लियर जाला सर्वान टॉपिक चलिए तो चलते फिर नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है रिएक्शन बेटा अल्डोल कंडेंसेशन आज नहीं ले पाऊंगा क्योंकि टाइम हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने पे लेक्चर थोड़ा लेट शुरू किया मैंने तो अल्डोल कंडेंसेशन मैं लूंगा कल क्योंकि द रीजन इज कि अगर आज पढ़ा हुआ भगा भगा के तो उसमें कोई मजा नहीं कोई मतलब नहीं है तो आई नीड सम टाइम मैं अल्डोल कंडनसेशन कैन इजारोस रिएक्शन वोल्फ क्रिश्नज रिडक्शन कैन फिर क्लेमेंसन रिडक्शन और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन ये सब का पूरा का पूरा रिएक्शन कल रखाओ कल चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा कल फ्लो चार्ट दे दूंगा कल को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा और कल इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी करवाऊंगा तो ये रिएक्शन आज के लिए लास्ट कराऊंगा ये रिएक्शन के बाद हम टॉपिक को वाइंड अप करेंगे ठीक है आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे सबसे पहला एक नोट ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन्स के, के लिए करता है अच्छा मिथाइल कीटोन कौन जिसके एक तरफ सी एच थ्री होना ही चाहिए दूसरे तरफ कुछ भी लगा कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन उसमें से एक जो पार्ट है एक एंड जो है वहाँ पे अपने को मिथाइल ग्रुप होना 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 ही चाहिए जैसे शुरू करते हैं सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री दिस इज एसे इसमें हम डाल देंगे थ्री एन सोडियम हाइपो आयोडाइड सोडियम हाइपोहलाइड बोलते हैं हम नॉर्मली ये सोडियम हाइपो आयोडाइड है ठीक है अब देखना जो मैं बोल रहा हूं सीखना और समझना तीन एनए है ना तीन दो ले लो दो दो एन एच बंद करके मिल जाएगा टू एनएच क्या किया तीन देख इधर लिखता हूँ तीन एक एन ए ओ दो एन ए ओ तीन एन एस से दो चले गए दो एन ए के साथ इधर का दो एच लिया तो इधर सी एच थ्री था सी था एच, था एच था एच था एच था तो इसने इसके साथ में मिला और ये बन गया अपना एन एच एनएच दो बार अब क्या बचा इधर सी बचा इधर एच बचा लिख देता हूं सी एच अच्छा तीन आयोडीन भी है ना मेरे पास आयोडीन तीन बार है तो तीन बार आयोडीन यहां पे लिख देने का ये प्रेसिपिटेट बनता है ये होता है आयोडोफॉर्म ले लेता तो क्लोरोफॉर्म बनता ये आयोडोफॉर्म बनता। जो एक येल्लो कलर का कंपाउंड का कलर कौन सा येल्लो अब इसमें से एक ओ एन ए बचा हुआ है ये भी चला गया ये भी चला गया तीनों आई भी चले गए ये पूरी जगह खाली हो गई है बोलेगा ठीक है तू तो पास आता हूं। तो ये पूरा यहाँ पे चिपकेगा बच्चा देखेंगे जिन बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट गया होगा उनके लिए फिर एक बार बताता हूँ बेटा तीन एन पास दो निकाला दो एन एच के साथ ले गए बना दिया टू एन अब बचा गया सी एच सिर्फ सी एच बचा और तीन आई बचे सी एच को तीनों दे दिया बनिया गया? I3, this is होता है येलो कलर का अब क्या करेंगे जो भी बची हुई ONA है वो यहाँ पे डाल देंगे प्रोडक्ट बन जाएगा अब ये रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है ये रिएक्शन का इम्पोर्टेंस ये है इस रिएक्शन को हम लोग एक नाम से जानते हैं आयोडोफोम टेस्ट आयोडोफोम टेस्ट। इसका इंपॉर्टेंस क्या है समझो अपने पास दो बीकर है अपने को मालूम नहीं है कौन सा कंपाउंड है लेकिन मुझे बोला गया है दोनों में पांच कार्बन का के कीटोन पांच पांच कार्बन के कीटोन है हो सकता है इसमें हो जाए पेंटेन टू और इसमें पेंटेन थ्री ओन अब मुझे आइडेंटिफाई करना है मुझे नहीं मालूम है कि क्या है ये तो छुपा हुआ है बाद में पता चलेगा मुझे पता करना है मैंने क्या किया मालूम है क्या इसमें और इसमें दोनों में एन ए वाई डाल दिया तुरंत तुरंत पहले पेंटे इन टू वन और पेंटे इन थ्री वन का स्ट्रक्चर बनाते हैं पेंटे इन टू वन लुक्स लाइक दिस एंड पेंटे इन थ्री लुक्स लाइक दिस अब आप लोग से क्वेश्चन पूछता लोग मैं अगर दोनों के अंदर सोडियम हाइपोआयोडाइड डाल दू, मतलब एन डाल डालू तो पहला वाला ए पेंटेन टू ओन और दूसरा वाला बी पेंटेन थ्री ओन दोनों में से किसके अंदर आपको फर्क दिखेगा और क्या ये मेथड आप आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हो यस और नो हा या ना बताइए फास्ट क्यू पेंटेन टू ऑन अगर आप बोल रहे हो वाई पेंटेन टू ओन ओनली वाई नॉट पेंट इन थ्री ओन सिर्फ पेंटेंट टू ओन ही क्यू पेंट इन थ्री ओन क्यू नहींस्टूड आप सबने बोल दिया पेंटेन टू ओन आई अप्रिशिएटेड योर आंसर वेरी गुड खुशी जोसेफ वेरी गुड सिद्धेश्डे वेरी गुड बेटा क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया तो ये तुम्हारा मिथाइल कीटोन है इसके दोनों तरफ मिथाइल नहीं इसके दोनों तरफ है तो ये कीटोन ही ऐसा है जो आयोडोफोम टेस्ट पॉजिटिव देगा ये नहीं देगा मतलब जैसे ही मैं ये रिएक्शन करने जाऊंगा तो इसके नीचे मुझे ऐसा येल्लो प्रेसिपिटेट मिलेगा एंड दिस इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफोम लेकिन ये वाले के अंदर मुझे ऐसा कोई चेंज नहीं मिलेगा तो मैं ये आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि ये पेंटेन टू ओन था और ये पेंटेन थ्री ओन था इज दिस क्लियर टू एवरी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं फोन व्हाट इज योर कंक्लूजन ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए तो अपनी तैयारी उस क्वेश्चन के लिए पूरी होनी जरूरी है समझ लो एवरी वन रेज़ योर हैंड जिन बच्चों को समझ में आ गया फटाफट हाथ उठाइए हाथ वर्ती करून दाखवा एकदा समझ लगन आए ऐसा है। का गुड तो चलिए बेटा आज का सेशन फिर इसी के साथ वाइंड अप करेंगे जैसे कि बताया कल आ जाऊंगा इस सेशन पे कल कुछ बच्चे शायद ना आ पाए आफ्टरनून के अंदर आई कैन अंडरस्टैंड जी आ, आपने भी बताया आप नहीं हो कोई बात नहीं बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए थोड़ा लेट ज्वाइन हो जाइए लेकिन जैसे ही आप फ्री हो जाते हो फटाफट ज्वाइन हो जाओ बाकी सारे बच्चे जिनका कॉलेज है वो लोग भी कॉलेज में जाने वाले हैं कोई बात नहीं अगर नहीं देख पाते हो बाद में तो आपके पास रिकॉर्डेड ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है देखिएगा ज़रूर क्योंकि बहुत काम आएगा कल के लेक्चर में जितने जो टॉपिक पढ़ने वाले सब धमाल टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से अच्छे उसके उसको करने तो बेटा आज का सेशन सबको अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर दो कमेंट कर दो बाकी मिलता हूँ मैं कल आपको वन थर्टी को शार्प इसी जगह इसी जगह इसी प्लेस इसी चैनल पर आपके फेवरेट सर के साथ मिलते हैं कल गाइज बाय बाय एवरी टेक केयर हैव अ गुड डे